जय श्री राम। नैमि साल के स्थान पर जब स्वामी ऋषि 88,000 शिव में आए और वह कथा का आयोजन किया गया तो उसमें देवर्षि योगराज नारद जी उपस्थित। नारद जी अनेक लोगों में घूमते घूमते खा गए जहाँ जन्म होगा वहाँ कुछ दिन तो ये कुछ यहाँ भगवान नारद जी आए। नारद जी ने देखा कोई धन से दुखी है और कोई मन से दुखी है और कोई धन से सुखी कोई नहीं जीवन में कोई नहीं कोई हम सब के अंदर है यह है तो अनिच्छा है या मकान से बना रखा है क्या है तो खाने लगता है ना ऐसा मन विचार है किसी का विचार का ऐसा कर बन जाता तो आदमी का कोई सोचता हुआ तो बड़ा ये दे हम तो तीन डाल रहे हैं है ना तो सबकी अपनी इच्छा है अपनी भावना है अपना आमदनी है उसका लोग सारे की इच्छा और यह सब कुछ है लेकिन शांति नहीं यह सब कुछ है संतान नहीं तो संतान जीवन है यहाँ पर कोई प्रतिकूल नहीं है तो कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर ऐसा रहती है जब से इंसान जीवन लेता है और जब तक मृत्यु को भी जाता है तो उसको कुछ कहलाता है कुछ ना इच्छाएं रोज जाती है ये कलर की वो कलर की वो कलर की भावना हमेशा आती ही रहती है तो ऐसा कहते हैं सब समावेश क्या क्या है भगवत कहते शिव काटी शिव काटी क्या हुआ अब उन्होंने सोचा यार सब अपने हैं और नारद जी कहा चले नैमि शरण को छोड़कर भगवान के रूप में चले जहाँ भगवान विष्णु विराजमान भगवान विष्णु पढ़ना बोले महाराज ऐसा क्या हुआ अब वहाँ पर लोग समय के अनुरूप ऐसी स्थिति आई अब भगवान को प्रणाम किया भगवान का पशु महाराज आपका आने का उद्देश्य क्या है सो आप संतुष्ट हो बोले महाराज इस कलिकाल को इंसान सब प्रकार के बुद्धि है उनको सत्य भी कहते हैं कलयुग में तो वेद विद्या इत्यादि खत्म हो जाएगी आप जानते हैं आप हुआ है वेद विद्या पहले जगत बोले वो बिहार का क्षेत्र हो वो यूपी का क्षेत्र हो वो एमपी का क्षेत्र हो वो जहाँ का क्षेत्र हो वहाँ लोग पढ़े लिखे थोड़ा कम हो गए थे लेकिन विद्या का अध्ययन करते थे घर में रामायण का भी पढ़ते थे यदि एक दिन पढ़ा लिखा तो दूसरे दिन पढ़ जाएंगे रामायण पढ़ते साथ में ना तो आज का टेस्ट पढ़े लिखे हैं एक को पढ़ाओ तो कौन पढ़ रहा है कोई कोई पुराण को नहीं पास कर रहा है लोग पढ़ते थे आज घना आपका जन्म और वह घर नहीं करते और बहुत लोग तो रामायण के समय आज याद बहुत से हमारे बुजुर्ग ऐसे थे वो जब भी कोई बात होती रामायण से शुरू से बोलते थे आप जो काम कर रहे थे लोगों को लिखा हुआ था ना लेकिन और अंग सबकी एक ही है पच्चीस सेकंड में रहना है पर पच्चीस सेकंड क्या है नास्तिक रहना कोई रिश्ता नहीं होता हो सब हम कलान की हमारे संस्कृति में सब हम कलान की कोई दाई दाई चाहे कोई दाई वो है तो वो है वो से वो से वहाँ सब आदमी वहाँ जाते हैं है ना वैसे हम कलान हमारे मामा चाचा को कुमार सुनो से दूसरा सुनो से लेकिन यहाँ पर है ना आपको मतलब आप कभी अच्छे मूवी के बारे में लोगों को बताओ कि संस्कृति को जगाओ आप भी जगाओ तो कौन सी बच्चों को दो पढ़ाते हो बारे में दस मिनट भगवान के नाम से कुछ आप भी करना सुनो डाल कोई कुछ है करना सुनो डाल कि कुछ ना कुछ ज्ञान बच्चों को हासिल करो उसका पता लगे तो तीनों लोगों को दस मिनट चाहिए कि नया टाइम हो कि हमारी संस्कृति और संस्कार यही लाइफ जब रहेगी बाकी तो आया घर गया जो संस्कार हमारे अंदर विद्यमान पहले माता पिता के घर रहते थे घर में संस्कार होते थे फिर बच्चे जो है मंदिर को जाते थे दिवाली में जल अर्पण करते थे और शिव को जल देकर आरती पूजा करते थे आप बच्चे कहाँ करते थे टाइम नहीं एक ही ध्वन लगे रहते हैं पढ़ जल्दी पढ़ उम्र को हो गया युवक को हो गया उसे पीछे पीछे लगे रहते हैं ये सब हो जाएंगे आप जा
शिल्प चिंतन करो और करने वाला परमपिता परमात्मा है। सारे काम होंगे लेकिन बच्चों पर विशेष निर्णय बच्चों को कब तक आप बच्चे की आयु 15 साल बताई 15 साल की आयु तक अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे दिया, अच्छा समझा दिया, अच्छा पढ़ा दिया, अच्छा बोल दिया तो आगे बोलने की जरूरत नहीं। यदि 15 साल की आयु का बच्चे को समझा नहीं पाए समझा नहीं पाए तो 16 साल उनका होगा कि वो तुम्हें समझाएगा दुनिया में क्या है करते जाओ कि मैं क्या बता हम ये करो ऐसे आगे समझा तो कहीं जाने नहीं। तो इससे बच्चों को भक्ति मार्ग में पढ़ डाले सब जब धर्म रहेगा संस्कृति रहेगी तब इसलिए थोड़ा घबराने का कार्य हो अकेले बाबा लड़ रहा है एमपी वाले बागेश्वर वाले क्या बजा रहे हैं ना। तो प्रभु जाके कृष्ण की पूजा करना पड़ेगा, प्रभु का गुणगान तो करना पड़ेगा, हरि का गुणगान तो करना पड़ेगा। हम भी करेंगे आप भी कौन करेंगे, ये आपके करने से उसको अगर मेरे लिए कुछ हुआ तो सौ लोग करेंगे तब होगा। तो प्रभु कहते हैं ऐसा हमें समावेश करना चाहिए कि कलयुग में वेद विद्या खत्म हो जाएगी जब कहा गया था। बोले महाराज क्या करना होगा, बोले श्रद्धा से पूजा करो, इसके लिए उपाय शंकर क्या किया हो और कथा का भाव बोल करो। बोले महाराज किसने कथा करी इसका भी भाव बताओ। बोला कि इस समय की बात थी एक ग्राम थे, गरीब ग्राम थे, वो भिक्षा मांगने के उपचार कर रहे लेकिन समय के अनुकूल भिक्षा एक ब्राह्मण क्या करो प्रसाद उस पितृ की किताब को देकर भगवान के मन विचार आया कि रोज पूजा पाठ किया करता है लेकिन आप ऐसे उदास कर रहे हैं। अब भगवान आए तो कैसे आए, भगवान को निराकार कोई आकार है नहीं। उन्होंने पूरे ब्राह्मण का वेश बनाया, उस पुत्र के पास आए जो ब्राह्मण धरती पर विचरण कर रहे थे और कहा महाराज आप धरती पर कैसे प्रस्थान हो। बोले महाराज ब्रह्म देवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि मैं सृष्टि के जीवन में आया तो हूँ लेकिन संसारी स्रोत को दिनों उठा बड़ा हूँ जिससे आमदनी के स्रोत कम होने के हूँ। यदि आप लोग कहा जानते हैं तो आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा इसके लिए श्रद्धा भाव से पूजा करो, खाओ पीने भगवान होता किसका होता है भाव। ये भोजन ये फल ये मिष्ठान सब हम लोग खाते हैं जिसका होता है भगवान होता है भगवान को खा पर होता है इसलिए हम भगवान को भोजन पूजा अर्पण क्या लाभ मिलेगा। हम तो मेरे क्या है और मन में
बहनों के दाम पीछे बोले मिले बड़ा प्रसन्न हुआ कह रहा अरे प्रभु तेरी महिमा अद्भुत है कि आज तेरे नाम लेने से लकड़ी के भाव तो मिल रही है उन्हीं लकड़ियों के भाव के पैसे से फल शंकर ने दूसरी आया और कथा का आयोजन जब कथा संपन्न हुई तब चरणामृत पंडित का भोग लगाया इस प्रकार से अध्याय समाप्त हुआ बोल भगवान कलावती बड़ी सुंदर थी बड़ी सुशील थी विद्यमान बचा लगे थे
आप और बड़े प्रसन्न होंगे ये कार्य किस प्रकार के कैसे होता है। अब जब हम लोग प्राण राजा प्रसन्न हुए और रानी प्रसन्न हुई लेकिन प्रकार का विचार आया इस समय लीलावती ने कहा है ना आपको कथा कर रहे थे कि घर में कन्या के जन्म ले लिया है। राजा ने कहा अपने बच्चे छोड़ के थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो कथा सजना हो समय व्यतीत करता है और किस समय से बच्चा राजा किसी कार्य से बाहर निकल जब वो घर में आते हैं तो उनकी बेटी कलावती अपने सैनियों के साथ हर्ष को पुष्ट और उसका घर में होता है। राजा का प्रश्न हो जाता है कि हमारे बच्चे को हमें समय के अनुकूल में प्रभाव कर देना चाहिए ऐसा पिता को अब सुना और उन्होंने जो बात अपने घर में लेकिन पहले कथा करो राजा ने कहा कोई बात नहीं रिश्ता ढूंढ लेते हैं रिश्ता हो जाएगा आधे घंटे के तब से बनने और राजा ने फौरन से दरबार और मंत्री को बुलाया कहा मंत्री जी आप तो जानते हैं कि हमारी विद्या कलावती आप शादी के लिए उसके लिए सुयोग से बन पास करेंगे भले ही बन कहीं पूरा पश्चिम उत्तर के सिर झाक लेना चाहो पूरी जो हमारी पढ़ाई से पढ़े हुए ले जाओ लेकिन लड़का सुयोग को भगवान हो कि वहाँ पर जन्म हो रहा था कलावती लीला को अब जब कलावती जन्म पर प्रश्न हो जब पसंद की बुलाते हैं भाई आनंद आ अब शादी की बात भी रिश्ता ढूंढने की बात भी रिश्ता के सच्ची लोगों को उस समय के लोग क्या करते थे लड़का गुणवान जैसे गुण बेटी में होने चाहिए वैसे गुण वर में होने चाहिए क्योंकि वर कौन होता था ऐसे सब होता था मुझे गुरु माना जाता और आज वर कैसा होता है आज तो वर से भगवान जी बलवान जी बॉडी में छोड़ चाहिए धन में छोड़ चाहिए भले भाई बहन जरूर चलेगा है ना माँ बाप भी जरूर चलेगा लेकिन लड़का भले ही और धन को तो ऐसा भाव क्या था और उसे भाव क्या था कि सब कुछ हो लेकिन गुणवान तो ये पहले जमाने में बलंती विस्तार करते शांति गांव में ननिहाल को विस्तार करते और आप तो घर पर हो गए आप तो हर घर के लाते हैं बड़े जुटा लग रही है अब बात कर रहे थे कमरा लगा है ये तो सागे सुना है ये तो सब आवाज कमरा है नए घर के रहा नए घर के रहा चिड़िया रहे बसेरा पहले माँ बाप बच्चों को पालते हैं फिर उनके आपको खटाई पता कर देते बच्चे चले जाते हैं कि बात हो गई दोबारा क्या करते हैं तो ऐसा आज का जरूर था क्यों एक जोन ऐसा है क्योंकि धन को इसलिए कि बच्चों को बोलते सुनो यदि बच्चे फोन पर लगे रहेंगे ध्यान देंगे तो बच्चे कैसे करेंगे तो बच्चों का कोई दोष नहीं जब बच्चे गलत कर रहे हैं इसका भागीदार माता पिता कि बच्चों को माता पिता की गाइड करना चाहिए स्कूल पढ़ाना बड़े स्कूल में डालना कोई बड़ी बात नहीं जब तक बच्चों को संस्कार नहीं संस्कार होना आवश्यक है बड़ों का सम्मान करना बच्चों है बड़ों का सम्मान करना बच्चों को बड़ा है कि अभी बच्चे सीख रहे बच्चा कच्चा काम है जहाँ बोलो वहाँ बोल जाएगा और जब बड़ा होने लगे तो बोलेगा और जो आज तुम बाहर वाले को पढ़ना कोई नहीं सिखाओगे तो कल तुम्हें नहीं करेंगे पहले जमाने में पढ़ना नहीं सीखा जिसने देखा था बच्चे आते थे माँ बाप के पैरों पर सिले लगाते फिर परंपरा बनी बच्चों ने हाथ लगाना शुरू किया पैरों पर फिर धीरे धीरे बच्चों ने दूसरी बात शुरू कर दिया और फिर धीरे बच्चे आप झूठे भी थोड़ा झूठे ऐसे पढ़ना बोल रहे थे है नहीं और आप ऐसे बच्चे भी आए आप राजनीति की बात नहीं कर रहे सिर्फ बच्चों की बात है जिसके लिए हमारे माता पिता चिंतित है। पहले जमाने में हर माता पिता के 5, 6, 8, 10 के बच्चे होते लेकिन किसी माता पिता को अपने बुढ़ापे का भी नहीं होता था कि हमें कौन पालेगा। आज माँ बाप बोलते बच्चे को शिक्षा अच्छी देते हैं बच्चों को भेजते थे अच्छे पढ़ लिख मैं आपको यही बात कर रहा हूँ बता रहा और बच्चे पढ़ लिख के अमेरिका चले गए कोई लंदन चले गए और माँ बाप का कंगाल यहाँ पड़ा हो कोई पूछने वाला नहीं है बोला हम लोग पेपर चाटा लगे अभी दूसरे बड़े पेपर भी आया था दो बेटे थे अच्छा सुने ये रियल बात दो बच्चे थे अच्छे पढ़ लिख गए ए लंदन चले गया अरे लंदन चले गया अमेरिका और ये माँ बाप की सेवा करें नंबर को लगा हुआ रंकर अब बेचारा बुढ़िया बुढ़ा गया था तो रंकर रखा हुआ था
नौकर साइकिल लेके सामान लेके गया। अब ऐसा समावेश आया कि उसका हादसा हो गया, ये रियल बात। और वो हो गया खत्म, तो घर वाले बुलाया गया, उसके जो है इलेक्ट्रिक हो गया, लेकिन घर पर कोई आया और घर के बुलाने को कौन पूछता है? यहाँ तो आप चार बाहर नहीं जाओगे, लोग कुछ नहीं आता है, नरेश का है तो पूछते हैं ना, रेडो को नहीं पूछता है। जब अंदर से स्मेल आई तो मेरा लेवल बहुत बोल दिया, तो वहाँ बच्चे को ऐसे भी क्या शिक्षा देंगे जिस तुम्हारी माँ को बना दिया, ऐसे तो बना दिया आपने, नौकरी ने तो बना दिया, लेकिन एक ऐसी भी चीजें हैं और वास्तव में सुनकर इसीलिए बदला पहले बदला तो नहीं आप कर रहे हैं हम लोग आपको डाल दिया
क्या होगा और जवाब भरी क्या होगा।
और मिथ्या वस्तु को तुझे जाते 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 काफी और सागर को प्राय सभी को और नौका नदी के तट पर अब नौका समान घर था पानी डूब गई और जमा सूर्य का धनाया गया है चलो घर की ओर चलते और वहां को विश्राम कर लेंगे कपैन तो उधर से साधु नाम जो एक भगवान थे उन्होंने वहां पर गए अब वेश बनाया और उन्होंने कहा डंडी साल का रूपन क्या है का राजा ये नौका में क्या रखा है उन्होंने कहा महाराज इसमें पशु नहीं है इसमें तो खास दुर्लोकपत रखे हुए हैं डंडी साल ने कहा कथा है यानी अब डंडी साल कितना इसके बाद बढ़ते थे और नौका उतनी पर को उठती है बड़ा आश्चर्य हुआ सच में नौका पर हाथ फेरा तो घास फूस बिल्ड पर नहीं आया चीखा चिल्लाया और जमीन पर समझाया कि चीखने के बाद ही नहीं पड़ती हमें डंडी साहब ने श्राप दिया है चलो उनका पूछा कर और क्षमा मांगती भाई के भाव में क्या भावना होती थी कि गलती हो गई लोगों से तो क्षमा मांगती गलती बात तो लेकिन क्षमा कौन मांगती वो तो मैं बुलाई उसको पता ही गलत हो फिर गलत को नहीं मानते लोग गलतियों को मानते और पीछा कर रहे थे पीछा करने के बोलो महाराज क्षमा को महाराज क्षमा करो आज क्या बोल रहे गलती की नहीं है इसलिए भी गलती की और चले गए बोला पीछा करते हैं और घेर के मारते हैं आज तो भाव में ऐसी हो गई है ना अब पहले भाव में गए थे क्षमा मारे वो जब महाराज क्षमा को महाराज क्षमा करते बोले महाराज ने बोला क्यों किस चीज की तुम क्षमा मांग लो क्या अपराध किया बोले महाराज हमने उसको बोला था कि नौका में खाने की खाद पूछे बोला था प्रिय भगवान ने उसको बोला बोले महाराज आपकी बात का कि सुन लो जो बोलोगे सत्य बोलोगे आप मेरा धन लो ऐसा उन्होंने भगवान से कहा डंडे साहब ने कहा कृपा से है तुम सत्य बोल सकते बोल तो महाराज हम बोल सकते भगवान ने कहा घोड़ा घास बोलती तो बढ़िया से बोला महाराज ने क्या बोले दाम तब से लेकर बढ़िया समाज को वो जाओ नौका बहन में और आए तो नौका ऐसे आप घर को प्रस्थान राजा का मंत्री आप जाओ और लीलावती को संदेह दे दो कि राजन सब सर्वमंगल तमाम सीता रहे सो आरती के लिए मंत्री जी पहुंच गए लीलावती पूर्णमासी का दिन था अपनी बेटी कलावती के साथ बंधु बांधवों के साथ मित्रों के साथ कथा कर रही और कथा सुन रही मंत्री ने प्रणाम राजा साहब को प्रणाम किया और राजा साहब राजा सब सर्वमंगल तमाम सीता रहे सो आरती के लिए आग्रह कर रहे लीलावती मेरी प्रसन्न हुई कि आप तो गुरु कृपा से हमारी प्रार्थना से मिली है कि आप कथा कर ही रहे हैं और आप गुरु हैं मेरे पति और जवान को आए कहा देख ली लीलावती कि भगवान की पूजा से तुम्हारे पंच पिता का आगमन हुआ है मैं उनकी आरती काल के आगे और तुम ही गए जब तक उधर संपन्न ना हो और चरणा में तुम पति का प्रभाव न मिले तब तक आप ही करावती माता का भाव करते और लीलावती आशीर्वाद तो अपने पति की आरती उतारती है उसके बाद दमान की बारी आती है तब तक क्या होता है कलावती उधर घर को छोड़कर पति की नौकरी को उठाती है और जैसे ही कलावती की दीवार अपने पति को होती है उसका पति जमीन पर तब उसका पिता साधु नाम का वैश्य आज बोल रहे तब आकाशवाणी होती है कि तेरी बेटी ने कथा का उल्लंघन किया है कथा सुनी नहीं चरणामृत प्रसाद लिया नहीं उसी के प्रभाव से दर्द होता है वो कथा स्थल पर जाए और कथा का गुणगान करे चरणामृत प्रसाद दे तभी दंपति की पिता के कहने पर माता के समझाने पर कलावती पूजा स्थल पर जाती है और कथा का